साथियों, आज आपके लिए लाए हैं एक ऐसा खरपतवार जो ना खरपतवार है बल्कि एक महान औषधि है और बहुत कॉमनली पाया जाता है सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल क्लाइमेट में। एक एनुअल हर्ब है ये। इसके आप सिंपल लीव्स देख पा रहे होंगे और वायलेट कलर के इसमें फूल आए हुए हैं। इसको मिर्चा गंध के नाम से या गोट वीड के नाम से जाना जाता है। इसके ओवेट टू क्रीनेट लीव्स हैं और बहुत सारे औषधीय उपयोगों में इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ख़ास तौर से किसान भाई जब कभी खेतों में उनका हाथ कट जाता है दरांत से, तो इसके पत्तों का पुल्टिस बनाकर घावों पे लगा लेते हैं तो खून का बहना अचानक बंद हो जाता है। इस प्रकार से इसके और भी बहुत सारे औषधीय गुणों में इस्तेमाल करते हैं। इसके पूरे प्लांट का मदर टिंचर बनाया जाता है जो कि अस्थमा को सही करने में हमारी मदद करता है। इसके अंदर अब जाने हैं कि क्या क्या पाया जाता है। बहुत सारे इसके अंदर असेंशियल ऑयल्स होते हैं। इसके अंदर फिनोलिक कंपाउंड्स, बायोफ्लेवोनाइड्स पाए जाते हैं, कुमेरिन, बेंजोफिरोन और एजिरेटोक्रोमीन, डाईमिथाइल एजिरेटोक्रोमीन, कैरियोफाइलिन, कैडिनिन इत्यादि कई अल्कलाइड और ग्लाइकोसाइड सैपोनिन इसके अंदर पाए जाते हैं। यह सोत हर भी है। सोत को हरने वाला है, इन्फ्लामेशन को कम करता है। यह राइनाइटिस और साइनोसाइटिस दोनों में इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं सेफली। इसका अगर एक्वस सॉल्यूशन बना के हम नाक में डालें तो साइनस की समस्या को भी दूर करता है। इसके पूरे प्लांट का सुरस बनाकर पोस्टपार्टम हिमोरेज जो होता है उसमें ब्लड लॉस को ये सही करता है। और कॉस्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज आजकल इसके इनोवेटिव फॉर्मुलेशन काफ़ी तैयार कर रहे हैं। ख़ास बात यह है कि इसका जो डिकॉक्शन होता है उसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती हैं। आप इसका काढ़ा बनाकर उससे अपने बालों को धो सकते हैं। बालों का सिल्कीनेस और इसके सॉफ्टनेस बढ़ा देता है, बाल टूटने बंद हो जाते हैं, एंटी डेंड्रफ कार्य करता है। मार्केट में आजकल बहुत सारे एंटी डेंड्रफ शैम्पू कीटाकोनोजोल के आते हैं। इन सब का बेटर विकल्प ये हो सकता है। आप इसका डिकॉक्शन बनाइए और अपने बालों को धो लीजिए, लस्ट्रस आपके हेयर्स हो जाएंगे और स्मूथ और सिल्की। साथ साथ स्कैल्प पे होने वाली हर प्रकार की फंगल प्रॉब्लम भी इससे आसानी से दूर हो जाती है। अगर कहीं कट लग गया है तो इसको आप पीस कर सोरस बनाकर उस पर डाल सकते हैं या फिर पुल्टिस बांध कर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं बर्न्स हैं, कहीं जल गया है तो इसके आप डिकॉक्शन बनाकर घाव को इससे धो दीजिए। हीलिंग बड़ी फास्ट करता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या हो तो तिल के तेल को डालकर इससे सिद्ध कर लेना चाहिए। इस प्रकार आप देखेंगे कि कैसे हम इसको हम अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं और ये हमारे विभिन्न प्रकार के डिसऑर्डर्स और डिसीज से हमको निजात दिलाता है। अगर कई बार ये देखा गया है कि मौसम बदलता है तो सांस लेने में तकलीफ़ होती है, जिसको डिस्पनिया भी बोलते हैं, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अस्थमा में देते हैं, एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी स्पास्मोटिक, हीमोस्टेटिक का कार्य करता है। बहुत ज़्यादा औषधीय गुण रखता है। साधारण तरीके से इसको खरपतवार के समझ के हम लोग उखाड़ के फेंक देते हैं, लेकिन औषधीय गुणों की जानकारी ना होने के कारण हम लोग इसको यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो अब आप इसको जानिए, पहचानिए और उसको अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल कीजिए। महान गुणकारी औषधीय खरपतवार है ये, इसको आप यूज कीजिए। फिर मिलेंगे नए प्लांट के साथ। आप सभी का धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।